का घर हम कल यहीं रुके थे, आज हमें जाना है बोगटा को वापस, गंगोली हाट को निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। दीदी हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, आज दीदी हमारे लिए रोटी बना रही है, पनीर की सब्जी भी बना दी है। दीदी की आदत बहुत अच्छी है। और वहाँ पे अम्मा और मेरे पतिदेव गप मार रहे हैं। अम्मा हाय कर दो। हेलो हाय। अमा थोड़ा बताओ तो। खाना की चम्मच, खाना की नमस्कार, बोधी की चमत्कार खाने जाएंगे तब चुमड़िया दिया। इतने मोटे हो रखे है, एक ही रात को एक रोटी दूंगी ना। सही बोल रही हूँ ना मैं। तेरी रोटी खा के तो नहीं हुआ, अपना खा के हुआ हूँ। तो पता बढ़ू मोट नहीं बनू धमू लगे नहीं बढ़िया। अमा मैं तो इस स्कूल चाहने पानी ने कोई नाश्ता ना वो मोबाइल में हाल तो कहीं मैं हाल में क्या जुए का आज भी जाने पता है ना तो दे पढ़ दे ऐसा घूम ली वो लून आता है तो शायद ये वार बाटी ले मिल जाए। भैया माने बहुत सारी बात कही अच्छी अच्छी, मुझे समझ में तो नहीं आया लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो गाइस सुबह का कुछ नज़ारा ऐसा है यहाँ का, कितना सुंदर है। अभी तेज़ धूप लगी है, बहुत तेज़। सुबह शाम तो यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है लेकिन दिन में बहुत तेज़ धूप लग रही है। ये बहुत कॉमेडी करती है, वो मजाक कर रही है ऐसी। मजाक नहीं हम जो कह रही होंगे, अम्मा की भाषा भी समझ में नहीं आ रही। पासपोर्ट क्यों यहीं से दिला देते, यहीं से दिला देते। इनको लड़की यहीं से दिला देते, इनके जैसी सुखने का ना सोनी मदाई बस आ घर में मुंह दगड़ा उठने गया तो सही होना। वो तू तो अकेला मत आ, तो आ इसको ना आ देख, इसमें तो शत पे वही दौड़ हां मैं खा रहा हूं तू दूर जा रहे हो वहां पे और कछु लो नेर से तो मूल सोचना ला आपड़ा जैसा लाल हो मोटी भैंस कोई बात है मम्मी इनको आपड़ा जैसा बनू लब दिन भर रोटी दूल रात है दिन भर रोटी दूल ए रात है ए रात ए रोटी रात है तो दूल बस हो गई। तो तू मोटी भल थोड़ी ना है आजकल ना जो तू हाथ लिए दिन भर बोलना है खबर बोलना है तो मैं ही वो हाथों खेल दिया। अमा आप भी ब्लॉग बनाओ। अब पैस मिला तुमको पचे ये रोटी खाने तो नहीं बंद हो रहा। बहुत मस्त है यार दोस्तों। तब नहीं तो ले बंद हो खान बड़ो शिया पाके खान बड़ो ऐसी अमा हमको रोज मिल जाए तो हंसते 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 रह जाएंगे हम। बड़ो नहीं सर हमने खाना ना खा लिया, दीदी ने हमको खाना ना खिला दिया। अम्मा की बारी, अम्मा बोलो क्या बोलो सब्जी में पानी डाल दिया। अम्मा कह रही मेरे लिए सब्जी में पानी डाल दिया मेरे आजकल की बुआरिया आप और पनीर खैली बल रहे। ठीक है फिर। हाँ पहला जाती हूँ मैं अब। ना खाने दिया भूखा जन मारे दो लोग और पाई दाई चल के रात पड़ो हो गया फिर खाली था मोड़ से कोली तू ना खाने नहीं दी। आपने कह रखा है मेरे को इसको खाना मत देना। मुझे तेर तो बात तीन दिनों बाद आ रही हूँ उसमें तो न्यू न्यू हूँ तीन दिनों बाद आ रही हूँ। ठीक है फिर दीदी। ठीक है अम्मा बाय। दोस्तों अब हम जा रहे हैं दीदी के वहां से अपने घर की तरफ। 11 हो गया है, बहुत तेज धूप लगी है, बस अब निकल रहे हैं गंगोली हाट की तरफ को।
रास्ता भी ऐसा है, कैसे जाएं? बाय बाय। हरियाली है यहाँ, बाप रे। पिथौरागढ़ में आने वाले टाइम में मैं भी एक घर बनाऊंगी, भगवान की कृपा से। दोस्तों आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। वो ऊपर था, वहाँ से थोड़ा रास्ता थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं पैदल आ रही हूँ। पर वो ऊपर चले गए हैं स्कूटी लेके, निकलते हैं अब गंगोली हाट की तरफ को। बहुत तेज धूप लगी है। बहुत अच्छा लगा पिथौरागढ़ घूम के, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं दोबारा आऊँगी यहाँ घूमने के लिए। इस बार गाड़ी ख़राब हो गई थी तो थोड़ा अच्छे से घूम नहीं पाए, अब अगेन आएंगे। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गुरना माता के मंदिर में। यहाँ जो भी गाड़ी रुकती है टीका लगा के जाते हैं कहते हैं, ऐसे सुना मैंने। तो जय हो गुरना माता। अभी हम यहाँ टीका लगाने के लिए रुके हैं, फिर निकलते हैं। सब आके रुक के टीका लगा रहे हैं। इसकी हिस्ट्री तो पता नहीं है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं यहाँ पर खीरा खा रही हूँ, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ की हर चीज़ अच्छी है। यहाँ पे एक बस भी रुक गई है, वो भी टीका लगा के जा रहे हैं। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताना कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। पहाड़ तो बहुत खतरनाक है ये वाला, बाप रे। ना का शुद्ध पानी, यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है और टेस्टी भी। चलो जय हो गुरना माता की, अगेन आएंगे माता रानी। अब यहाँ से ड्राइव मैं करूँगी, मुझे पहाड़ों में गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। फाइनली अब स्ट्रिंग में आ गई है धर्म पत्नी जी, तो इन खतरनाक मोड़ में दगड़ियो। इसकी ड्राइविंग देखते देखते तो मेरे को भी डर लग रहा है। आराम से चल रहे यार, भयंकर आराम से चल। और शुर यार दगड़ियो यार, बापा को इतना स्पीड कौन चलता है यार बब्बू। हैं ओले ओले चल, घर ही जाना है हमने। यहाँ पे दगड़ियो रोड हमेशा खराब रहता है। चिपकोट बैंड के पास पहुँचने वाले हम लोग। देखो अभी भी रोड का काम शुरू है यहाँ। यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है पूरा। सबसे ज्यादा रोड यहीं पे खराब होती है। जब भी ज्यादा बारिश होती है ना तो ऊपर से मलबा आ जाता है। ये पूरा चट्टान कट चुका है कटिंग होने की वजह से। दगड़ियो दगड़ियो फाइनली बजने वाले हैं ना। आज दिन भर आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि भयंकर फोन नहीं दिया यार दगड़ियो। आज इसने मेरे को दिन भर फोन नहीं दिया, कहने लगी मैं सूट करती हूँ। फिलहाल बजने वाले हैं 9। अभी भोजन पानी सब हो चुका है शाम का। अब मैंने सोचा क्यों ना यार एंड करते समय आखिरकार आप लोगों से मिल जाऊँ। बड़े बड़े ये नहीं दिखी हम दगड़ियो, भयंकर कम कमी आएगी। मैं ही आऊंगा ब्लॉग में भयंकर। आज का सारा ब्लॉग मैंने बनाया है दोस्तों, कमेंट करके बताना कैसा लगा। फिर मैं आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग बनाऊंगी। देख रहे हो फिलहाल किसी को अच्छा नहीं लग रहा। जिसको अच्छा लगेगा प्लीज मेरे लिए कमेंट करना। देखते हैं अभी कितने कमेंट आते हैं दगड़ियों। तो फिर अब इस वीडियो को नहीं रखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद जय उत्तराखंड, जय माता दी, बाय बाय। लाइक कर दीजिए।